क्या सोच रहे हो? सोचना क्या है यार, शबो रोज ऐसे ही गुजर रहे हैं, बस कुछ मजा नहीं है, कुछ लुत्फ नहीं है, इसमें क्या करें। अरे यार क्या अच्छा मौसम है, धूप है लेकिन तंग नहीं कर रही, सूरज दिन भर की मुशक्कत से अब वापस लौट रहा है, क्या क्रिस्प किस्म का मौसम, मजा लो इसका, दुनिया जन्नत सी महसूस नहीं होती तुम्हें? अरे भाई जन्नत कोई भी हो, हम कहते हैं ना जी दुनिया ही जन्नत बन जाती है, दुनिया जन्नत क्या बननी है, जन्नत कोई भी हो आखिर में होता वही है कि फल खा के इंसान रांधा दरगाह हो जाता। शजरे ममनुआ इस दुनिया में भी हैं, ठीक है सही है भाई, तुम क्या कर सकता है, जो कह रहे हो सही है। जिंदगी जब आपको कुछ देती है ना, कुछ ऐसा कोई आपके मकसद के लिए कुछ दे रही होती है, तो साथ ही साथ वो कुछ ऐसा भी दे देती है कि आप के लिए वो डिस्ट्रैक्शन होती है, फिर वहीं पता चलता है कि आपने उस तरफ जाना है कि नहीं जाना, आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं उस तरफ। वो जो टेम्पटेशन है ना वो साथ ही है और वैसे ही रहेगी। खैर छोड़ो, तो मैं सईद दोषी की एक गजल सुनाता हूँ। अब देखो क्या तखल्लुस रखा उन्होंने, दोषी इंसान, दोषी तो है, दोष किया यहाँ पहुँचा। खैर कहते हैं राणा सईद दोषी के, कहाँ किसी की हिमायत में मारा जाऊँगा, कहाँ किसी की हिमायत में मारा जाऊँगा, मैं गम शनास मुरव्वत में मारा जाऊँगा, मैं मारा जाऊँगा पहले किसी फसाने में फिर उसके बाद हकीकत में मारा जाऊंगा। मेरा ये खून मेरे दुश्मनों के सर होगा, मैं दोस्तों की हिरासत में मारा जाऊंगा, मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा जमीर। वाह, गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊंगा, हिसस में बांट रहे हैं मुझे मेरे अहबाब, क्या कहें, मैं कारोबार शराकत में मारा जाऊंगा, बस एक सुलह की सूरत में जान बख्शी है, किसी भी दूसरी सूरत में मारा जाऊं, नहीं मरूंगा किसी जंग में ये सोच लिया, मैं अब की बार मोहब्बत में मारा जाऊं। संघर्ष करो बात को यार, ऐसा है और ऐसा ही रहेगा, यही चल रहा है, चलो चलते हैं, ठीक चलो चलते हैं।